मुंबई के अंधेरी पूर्व की साकिनाका पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को आईपीएस अधिकारी बताकर एक युवती से मुंबई एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करके फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी अभिजीत परमेश्वर गाड़वे ने शादी.com नामक सोशल साइट पर अपनी नकली प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। ऐसी ही एक पीड़ित लड़की की शिकायत पर साकिनाका पुलिस ने अपने मुखबिरों की मदद से उसे घाटकोपर की एक इमारत से गिरफ्तार करके आगे की जांच में जुट गई है। वहीं पीड़िता के अनुसार उसने शादी.com की प्रोफाइल में अपने आप को आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ पिता को रिटायर्ड फौजी जवान बताया था और दोस्ती होने पर उसने अपने लिए जॉब की बात कही थी, जिस पर आरोपी ने उसे मुंबई एयरपोर्ट पर इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड कंपनी में कार्यरत अधिकारी होने की बात बताकर उससे 73,900 रुपए लेकर उसे ज्वाइनिंग लेटर और एक आईडी कार्ड दे दिया, जिसके बाद पीड़िता ने एयरपोर्ट अधिकारियों से संपर्क किया तो उसे पता चला कि आईडी कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर नकली है। फिर उसे लगा कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने साकिनाका पुलिस की मदद ली और पुलिस ने उसे ढूंढकर गिरफ्तार किया। मुंबई से समीर शेख की एक रिपोर्ट। साकिनाका पुलिस स्टेशन में एक महिला फिरियाद दिया है। फिरियाद में ये उल्लेख किया कि एक आदमी उसको खुद आईपीएस अफसर है ऐसा बता के उसको एक एयरपोर्ट में उसका पहचान है और एयरपोर्ट का अंदर आप उसको नौकरी दिलाएंगे ऐसा उनको बताए थे और उनको बता के उसको उसके पास से 73,000 रुपए पैसा लिए थे। वैसा पूरा हमने साकिनाका पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल करने के बाद पूरा तपास करने के बाद एक आरोपी का नाम है अभिजीत परमेश्वर गाड़वे, उम्र 26 ईयर्स है, उनको हम अरेस्ट किए थे। ये आदमी के पास एक उसका घर के पास एक छोटी गारमेंट का दुकान है। उसने शादी.com वेबसाइट में खुद का प्रोफाइल डाले थे। प्रोफाइल के अंदर वो खुद आईपीएस ऑफिसर है और उसका पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है ऐसा उसने उल्लेख किए थे और उल्लेख करने के बाद उसका चीटिंग करने के उद्देश्य से ऐसा एक प्रोफाइल बनाए थे। उसको अरेस्ट करने के बाद उसका घर का हमने सर्च भी किए थे। घर का सर्च के अंदर वो एक आईडी कार्ड मिली, फेक आईडी कार्ड, उसमें लिखा है कि वो एसीपी है क्राइम ब्रांच ऐसा उसने लिखी है उस आईडी कार्ड में। उसको अरेस्ट किया और आगे का तपास चालू है। ऐसा करने का किया होगा, अभी तक हमारे पुलिस स्टेशन में कौन सा भी ऐसा तकरार आया नहीं है। तकरार आने के बाद उसको जो भी तकरार है उसको दाखिल करके आगे का तपास हम करेंगे। कश्मीर की वादियाँ और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए।